हेलो एंड वेलकम एवरीवन वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डिफरेंस के बारे में और वो डिफरेंस होने वाला है पैरासाइट वर्सेस पैरासिटोइड के बीच में जो डिफरेंस है वो अपन इसके वीडियो में देखने वाले हैं तो मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स को क्या होता है कि वो हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं कि आखिर पैरासाइट क्या होते हैं और पैरासीटोड क्या होते हैं है? उनको कभी ऐसा लगता है कि पैरासाइट और पैरासीटोइड एक ही सेम ही चीज़ है और उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है तो आज ये सारे जो डाउट्स हैं इनको क्लियर कर लेंगे तो मैं बता दूँ पैरासाइट की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम होते हैं कि वो क्या करते हैं या तो किसी अपने होस्ट सबसे पहले होस्ट की बात कर लेते हैं होस्ट क्या होता है होस्ट जिस ऑर्गेनिजम को कोई भी इंसेक्ट या बैक्टीरिया या वायरस अपन डिजीज कोच कर देता है वो उसका होस्ट होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लो जैसे मैं हूँ मेरे को मलेरिया मच्छर आया ये और इस मलेरिया मच्छर ने मेरे को काट दिया काटने से मेरे को क्या हुआ मेरे को क्या हुआ कि डिजीज हो गई मलेरिया जो डिजीज होती है वो मेरे को हो गई अब मैं क्या हूँ इसका होस्ट हूँ और इसने ये क्या और मलेरिया क्या है वो इंफेक्ट जिसने मेरे को क्या किया डिजीज़ कोच किया तो जिसके ऊपर डिजीज़ कोच हो रही है वो इसका होस्ट है और ये क्या कर रहा है मेरा खून चूस के जा रहा है ये मच्छर तो इसको क्या मिला इसको खून मिल गया मतलब एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स इसको मिल गए और कहाँ से मिले मेरे से मिले मैं कौन ना इसका होस्ट हूँ मतलब जिसको डिजीज़ कोच करता है जिस इंसान को डिजीज़ हो रही है वो क्या होता है होस्ट होता है तो जो पैरासाइट होते हैं या तो ये ये ऑर्गेनिज्म क्या होते तो हैं या तो अंदर रहते हैं उसके मतलब नेचुरल ऑपरेशन के थ्रू उसके अंदर चले जाते हैं या फिर ओवन अनादर ऑर्गेनिज्म या फिर अपन बात करते हैं उसके ऊपर भी सरफेस पे भी वो क्या कर सकता है पैरासाइटो तो सर्वाइव कर सकता है और क्या करता है बेनिफिट लेता है किस फॉर्म में लेता है न्यूट्रिएंट्स निकालता है कहाँ से अपने होस्ट के फॉर्म में चाहे वो खून चूसना हो चाहे वो बॉडी पे कुछ पर्टिकुलर पार्ट को ईट कर रहा हो कैसे भी हो वो पैरासाइट अपना क्या होता है पैरासाइट क्या कर सकता है अपना जो न्यूट्रेंट है वो अपने होस्ट से लेता रहता है वही अपन पैरासिटोइड की यहाँ पे बात करते हैं तो पैरासिटोइड क्या होता है कि ये भी एक ऑर्गेनिज्म ऑर्गेजा पैरासाइट की तरह ही काम करता है मतलब ये भी अंदर भी रह सकता है मतलब और पैरा अपने होस्ट के या ऊपर मतलब सरफेस पे भी ये रह सकता है और क्या करता है मोस्टली जो मेन डिफ्रेंस है पैरासाइड और पैरासिटोइड के बीच में तो ये क्या कर सकता है किल कर देता है उसको मतलब इतनी जैसे कि अपन यहाँ पे पैरासाइट के फॉर्म में अगर बात करते हैं जैसे मलेरिया है मलेरिया आया मेरे को उसने खून चूसा वो चला गया फिर उसने दूसरे आदमी को काटा खून चूसा चला गया तीसरे आदमी को काटा खून चूसा चला गया मेरे को कोई डिजीज हो गई लेकिन मैं ऐसा थोड़ी है कि मैं मरी जाऊँगा मलेरिया से कोई बाई चांस होते हैं कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि मर जाऊँगा ये वो तो क्या हो गया पैरासिटोइ का फॉम हो गया और ऐसा वायरस होता है कि वो एक तरीके से इतना डेंजर होता है मेरे लिए कि वो मेरे को किल कर देता है एंड में इतना मतलब अपना न्यूट इट इत, मेरा इतना न्यूट्रंस लेता ले है या मेरा खून चूस लेता है या फिर मेरे पर्टिकुलर पार्ट को ईट कर जाता है वो तो वो क्या है पैरासिटोइड जिससे कि मेरी एंड में क्या होगी डेथ हो जाएगी तो वो क्या होता है पैरासिटोइड ऐसे काम करेगा जो ही पैरासाइट होते हैं ना वो किसी को किल नहीं करते वो एक तरीके से उसको डिजीज कोज कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए तो यहाँ पे ये मेन डिफरेंस रहने वाला कि ये क्या होता है डू नॉट किल देयर होस्ट और ये क्या करता है एवेंचुअल किल देयर होस्ट नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैन बी आइदर ड्यूरिनल और न्योटूरल ड्यूरेनल का मतलब होता है जो दिन में देख सकते हैं न्योटूरल का मतलब होता है जो रात में जिनको दिखाई देता है तो जो पैरासाइट होता है इनको दिन में भी दिखाई दे सकता है या फिर रात में भी दिखाई दे सकता है वही अपन पैरासीटोइड की अगर मेन बात करते हैं तो इनको सिर्फ एंड सिर्फ कब दिखता है इनको सिर्फ सिर्फ और रात में ही दिखाई देता है तो पैरासीटोड कब दिखता है रात में दिखता है वही अपन पैरासाइट की बात करते तो इनको दिन में भी दिख सकता है या फिर रात में भी दिख सकता है और क्या हो सकता है इनको कैन हैव सेवरल होस्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल इनके लाइफ साइकिल में क्या होता तो है खूब सारे होस्ट हो सकते हैं जैसे मलेरिया मच्छर आया उसने मेरे को काटा मेरे को काटा मैं उसका होस्ट बन गया दूसरे जगह जाएगा दूसरे इंसान को काटेगा उसका फिर वो होस्ट बन गया फिर तीसरे तीसरे पर्सन को काटेगा फिर उसका होस्ट हो गया तो मतलब वो क्या है कि उसके खूब सारे होस्ट है और वो क्या कर सकता है कि कभी किसको काट रहा है कभी का, कि किसको काट रहा है तो उसका मतलब क्या है कि खूब सारे होस्ट होते हैं तो पैरासाइट के क्या होता है खूब सारे होस्ट होते हैं कभी वो किस होस्ट पे सर्वाइव करता है कभी किसी होस्ट पे सर्वाइव करता है यहाँ पे बात कर ले हाईली स्पेसिफिक होस्ट उसका क्या होता है एक पर्टिकुलर ही होस्ट होता है वो पर्टिकुलर जो इंसेक्ट है उसी को काटेगा और उसी के ऊपर सर्वाइव करेगा और उसको इतनी एक तरीके से उसको इतना इतने न्यूट्रिएंट्स निकाल लेगा उसमें से कि उसकी फाइनली uh, क्या हो जाएगी उसकी डेथ हो जाएगी तो ये पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक होस्ट के ऊपर सर्वाइव करता है कौन पैरासिटोइड वही अपन बात करते हैं पैरासाइट तो उसके क्या होते हैं सेवरल होस्ट होते हैं नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट यही अपन बात करते हैं ये क्या हो सकता है मैंने अभी बताया कि ये तो अंदर भी रह सकता है होस्ट के या फिर क्या कर सकता है ए, ए, होस्ट के सरफेस पे भी ये क्या कर सकता है पैरासाइट लीव कर सकता है वही अपन बात करते हैं तो पैरासीटोइड की तो ये क्या करता है मोस्टली जो क्या होता है कि स्पेंड ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर लाइफ साइकिल विद इन द होस्ट और ये कुछ इनका पर्टिकुलर टाइम है वो क्या करता है जो हमारा होस्ट होता है ना उसी के अंदर उसके अंदर क्या करता है ये सर्वाइव करता है कौन पैरासीटोइड अपन बात करते हैं लेस ससेप्टेबल फॉर अ बायोलॉजिकल कंट्रोल जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है ना उनसे इनको जो पैरासाइट है उनको रोका नहीं जा सकता क्योंकि ये लेस ससेप्टिबल है मतलब ससेप्टिबल मतलब ये होता किसी चीज़ है किसी चीज के प्रति हम सैनसील होते हैं सैंसिल का मतलब कि वो जैसे कि मैंने कि मैं जैसे मैं नमक खा लू और नमक खाते ही मेरी डेथ हो जाए तो मेरे क्या नमक के प्रति प्रति मेरी क्या हो गई सहनशीलता है मतलब ससेप्टिबिलिटी है नमक खाते में डेथ हो जाती है वो कोई इंसान ऐसा इंसान है जो नमक खाता है उसकी डेथ नहीं होती डेथ नहीं होती मतलब वो क्या है कि उसके ऊपर तो क्या है रजिस्टेंस है तो क्या होता है कि लेस ससेप्टिबल मतलब ये ससेप्टिबल नहीं है मतलब लेस है कम है मतलब कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बायोलॉजिकल कंट्रोल अगर करना चाहेंगे तो ये इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं होगा और ये क्या हाई ससेप्टिबल मतलब सहनशील अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल से हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए पैरासीटोल को तो वो क्या होता है ईजिली कंट्रोल हो सकता है एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट रेन वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कई बार से भी पूछ लेता है और डेफिनेशन से तो से आता ही आता है तो एग्जाम्पल की बात कर लिया यहाँ पर मॉस्किटो की अपन बात कर जैसे मैंने मलेरिया की भी बात की थी लीस की बात कर लेते हैं माइट हो गया फ्ली हो गया टिक हो गया लूस हो गया राउंड वोम हो गया टेप वोम हो गया और टर्मेटोइड्स हो गया एंड प्रोटोजॉन्स यहाँ पे एग्जाम्पल होने वाले हैं वही अपन पैरासीटोइड की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे वाश हो जाएगा बीटल्स हो जाएगी फ्लाइस हो जाएगी और जो वोम्स वगैरह है या फिर गोडियन बॉम्स वगैरह ये इसके एग्जाम्पल होने वाले तो एग्जाम्पल भी आपको देखना है और इसी के साथ साथ मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ इस इमेज में आप आइडेंटिफाई करके मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये ये जो आपको जो इमेज दिख रही है इनके अंदर कौन सा तो पैरासाइट है या फिर कौन सा पैरासिटोइड है या दोनों ही पैरासाइट है या दोनों ही पैरासिटोइड है, है तो इसके बारे में क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और ये जानकारी आपको देना है और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में बेल बेलआइकोन को प्रेस करें वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और और भी जो हमारे सेशनस से हैं प्लेट में प्ले लिस्ट में जाके आप जो हमारे और भी जो सोइल साइंस वगैरह के एग्रोनॉमी एक्सटेंशन वगैरह के जो सेशन है से वो आप जाके देख सकते हो और ये वीडियो आपको पसंद आता है लाइक करें और अगर आपकी कोई क्यूरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको जरूर रिप्लाई मिल जाएगा पी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो साथ में डेली बेसिस पर वहाँ पर क्यूज भी आपको मिलते रहेंगे तो इसी के बाद साथ वीडियो को एंड करेंगे जय हिंद जय भारत